हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, एक और बार मैं आपका इस मेरे चैनल टैली डिजिटल क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस अध्याय में हम सीखने वाले हैं कि ईवे बिल में कहीं थोड़े बहुत अपडेट गवर्नमेंट ने किए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ईवे बिल वन नेशन वन टैक्स, इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ गवर्नमेंट ने अपडेट किया है, तो उसके आज हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। और दोस्तों, टैली ERP9, GST, ईवे बिल और एजुकेशन के रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, तो अगर आप भी देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तो चलिए, मैं आज के सामने शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि ईवे बिल में क्या डिफरेंस और अपडेट आए हैं। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हमें यह मैंने गवर्नमेंट की वेबसाइट ईवे बिल सिस्टम में से मैंने डाउनलोड करा हुआ है। आप अगर करना चाहते हैं तो आप भी वहाँ पर ईवे बिल सिस्टम पे जाकर आप यहां से सबसे ऊपर आपको न्यू अपडेट में दिख जाएगा, वहां से आप क्लिक करके PDF फॉर्मेट वहां से डाउनलोड हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यहां पर दिया हुआ है, ऑटो कैलकुलेट ऑफ रूट डिस्टेंस बेस्ड ऑन पिन कोड फ्रॉम जनरेट ऑफ EWB। मतलब कि जब भी आप ईवे बिल बनाओगे तो कंसाइनी और कंसाइनर दोनों का पिन कोड लिखेंगे, वैसे ही डिस्टेंस जो आपको ऐड करना होता था वो अब ऐड करना नहीं होगा, ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, ईवे बिल सिस्टम इज बीइंग इनेबल टू ऑटो कैलकुलेट द रूट डिस्टेंस फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द पोस्टल पिन कोड ऑफ सोर्स एंड डिस्टेंस लोकेशन। मतलब आप ईवे बिल पर जैसे ही अपना जो कंसाइनी, मतलब आपने खुद बना रहे हैं, आप खुद बना रहे हैं तो आपका खुद का पिन कोड नंबर और सामने वाली पार्टी का पिन कोड नंबर नाखेंगे तो डिस्टेंस जो भी होगा वो ऑटो कैलकुलेट होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, यूज इज अलाउड टू एंटर द एक्चुअल डिस्टेंस एज पर हिज मूवमेंट ऑफ गुड्स, हाउएवर इट विल बी लिमिटेड टू 10% मोर देन द डिस्प्ले डिस्टेंस फॉर एंट्री। मतलब कि आप इसके बाद आप ऐड, मतलब आप जो ऑटो कैलकुलेटर डिस्टेंस आ गया उसके बाद आप अगर कुछ उसमें चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस भी आप कर सकते हैं, 10% तक आप यहां पर चेंजेस कर सकते हैं। यहां पर ये दिया हुआ है, ये देखिए यहां पर दिया हुआ है 720 किलोमीटर एग्जांपल के तौर पर, यहां पर है 655 किलोमीटर अगर ऑटो कैलकुलेट होता है डिस्टेंस, इसके बाद अगर उसके 10% आप निकालोगे तो 65 आएगा, तो 65 प्लस करोगे तो 7,720 किलोमीटर्स होगा। तो आप मैक्सिमम 10% तक यह ऐड कर सकते हैं, 10% का आप इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद अगला है, If the pin enter is incorrect, the system would alert the user as invalid pin code. अगर आपने अगर गलत पिन कोड नाक दिया है, पिन कोड अगर आपने गलत कर दिया है, गलत नाक दिया है तो आपको एरर आ जाएगी, क्योंकि अब तो दोस्तों डिस्टेंस भी ऑटो कैलकुलेट होता है। तो आपको ध्यान रखना है ईवे बिल में, जब भी आप पिन कोड नाक हो तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद है, रूट डिस्टेंस कैलकुलेट बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन यूज द डेटा फ्रॉम वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सोर्स। मतलब इलेक्ट्रॉनिक सोर्स से आपका डेटा कैलकुलेट होगा। इसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है, दिस डेटा एम्प्लॉयज वेरियस एट्रीब्यूट्स, फॉर एग्जांपल रूट क्लास, डिस्टेंस ऑफ ट्रैवल, एवरेज स्पीड, ट्रैफिक डेटा। ये इन चीज़ों से आपका जो भी रूट हो, जो आपने पिन कोड नाखा होगा वो इन चीज़ों की वजह से कैलकुलेट होगा। इसके बाद हमें सेकेंड पैराग्राफ में यहाँ पर सेकेंड इन दिया हुआ है, द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड नॉट टू अलाउ जनरेट ऑफ मल्टीपल ईवे बिल बेस्ड ऑन वन इनवॉइस बाय एन पार्टी। मतलब कि कहीं ट्रांसपोर्टरों की, बहुत सारे ट्रांसपोर्टरों की
रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छा फीचर इनेबल कर दिया है कि अगर आपने एक मर्तबा एक बार ईवे बिल जनरेट कर दिया है, उसी पार्टी का उसी पिन कोड का सब सेम बिल अमाउंट है, जो भी आपने क्वांटिटी ना की है सेम एज इट इज़ है, अगर वही बिल का ईवे बिल आप बनाओगे तो आपको जनरेट नहीं करने देगा। ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। यहाँ पर वन इनवॉइस वन ईवे बिल पॉलिसी इज़ फॉलोड, ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने फॉलो की है, वन इनवॉइस वन ईवे बिल। बहुत ही अच्छा ये फीचर्स कर दिया है, बहुत ही ट्रांसपोर्टरों को इसमें तकलीफ पड़ रही थी तो गवर्नमेंट ने इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया है। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो ब्लॉक टू इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन फॉर कंपोजिशन डीलर, कंपोजिशन डीलर के लिए भी बहुत ही अच्छी, मतलब थोड़ा बहुत इनक्रीज, थोड़ी अच्छी बात है कि थोड़ा अपडेट है। द कंपोजिशन टैक्स पेयर आर नॉट सपोर्टेड टू डू इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन, मतलब कि कंपोजिशन जो लोगों ने कंपोजिशन स्कीम को अप्लाई किया होगा, जिनकी कंपोजिशन स्कीम चल रही है, वो लोग अब इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, मतलब स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है सप्लायर ऑफ कंपोजिशन टैक्स पेयर विल नॉट बी अलाउड टू एंटर एनी ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी ऑफ सीजीएसटी फॉर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन। सीजीएसटी और एसजीएसटी ही उनके अंदर ईवे बिल जब बनाएंगे, वो लॉगिन करेंगे ईवे बिल पोर्टल पर, तो उनके लिए आईजीएसटी का ऑप्शन ही मतलब होगा, लेकिन हट गया होगा ईवे बिल का, आईजीएसटी का ऑप्शन ही हट गया होगा। तो अब कंपोजिशन स्कीम वाले आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा बहुत वीक कह सकते हैं अपडेट है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई थी जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखी थी। अगर आप ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो ईवे बिल सिस्टम लॉगिन पर जाकर आप पोर्टल, गवर्नमेंट का पोर्टल खुल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को सेंड कर दें। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।